हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक कि रूट फाइव, रूट थ्री, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है, अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। ये लास्ट टाइम 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। और ये तीनों क्वेश्चन रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, जो भी हम अपरिमेय संख्या प्रूफ करेंगे वो सभी एक ही पैटर्न से होना है, सबकी लैंग्वेज सेम होगी और हमें समझने वाली बात है। देखो यहां पे अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है तो हमें परिमेय संख्या का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो और इस क्वेश्चन को हम अपनी ही बात को गलत साबित करके सिद्ध करेंगे। देखो ये आज की डेट में बहुत मुश्किल होता है कि हम अपनी ही बात को गलत साबित करें, खुद ही गलत साबित करें। ओके, तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां रूट तीन को हमें अपरिमेय संख्या बताना है। हम क्या करते हैं कि इसको कहते हैं कि अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या है। माना रूट तीन एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ रूट तीन बराबर है p बाय क्यू, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और p और q क्या है, यहां पे p और q यहां लिख देते हैं, p तथा q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। इसके साथ ही बुक में तो कुछ और भी दिया है कि इसको अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ और हो तो उसको डिवाइड करेंगे। तो हम डायरेक्ट इसमें यह लिख देते हैं कि p तथा q को पूर्णांक है तथा सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये सह अभाज्य संख्याएं हैं का मतलब क्या है? यहां ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू है 15/20। अगर मैं रूट तीन को फॉर एग्जांपल यहां पे हम मान रहे हैं ना p बाय क्यू, अगर मैं इसको 15/20 लिखता हूं तो ये इनके फैक्टर्स क्या हैं? देखो 15 के फैक्टर देखो 5 × 3 = 15, और 20 के फैक्टर देखो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। अब यहां दोनों का एचसीएफ, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? यहां पे कॉमन फैक्टर है 5। 5 से 5 को मैं डिवाइड कर देता हूं, 5 से 5 कैंसिल, तो यहां मिला हमें 3/4। अब ये 3/4 क्या है? ये दोनों केवल एक के पहाड़े में आते हैं और किसी पहाड़े में आते। यहां पे 15 और 20 किसमें? 15 और 20 5 के पहाड़े में आते थे, तो हमने इसको 5 के पहाड़े से डिवाइड कर दिया। अब 3 और 4 ये ऐसी संख्याएं मिली है जो केवल और केवल एक के पहाड़े में आते हैं, देख लेना किसी भी पहाड़े में नहीं आएंगी। और भी ऐसी संख्याएं हैं, फॉर एग्जाम्पल 17 और 21। 21 3 के पहाड़े में आता है, 17 अपने पहाड़े में आता है। ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं या सह अभाज्य संख्या है। तो ये तो p तथा q का एक के अतिरिक्त ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी तुम्हें, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड का अर्थ क्या है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अतिरिक्त। यहां दोनों का कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? एक रहेगा। यहां पे 5 था तो ये दोनों कोप्राइम नंबर्स नहीं थे। यहां पे हमने पी और क्यू क्या लिए हैं कि दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं या कोप्राइम नंबर है। इसका अर्थ यह हुआ पी तथा क्यू का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है कि ये दोनों संख्याएं पी और क्यू केवल और केवल एक से डिवाइड होंगी और किसी पहाड़े से डिवाइड नहीं होंगी। इस बात को ध्यान रखना, इसी बात को हम गलत साबित करेंगे आगे चल के। कैसे? देखो यहां हम ये फर्स्ट ले लो, एक से हमें क्या मिला, ये क्यू रूट तीन बराबर पी मिलेगा, क्यू को मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे। अब दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करें तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा हमें, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू मिलेगा, क्यू स्क्वायर मिलेगा, क्यू का स्क्वायर करा तो क्यू स्क्वायर मिला, और रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। दिस इज इक्वल टू, यहां पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर मिलेगा। अब ये बात आती है कि क्यू स्क्वायर
तीन इसको नीचे ले जाओ, हम पी स्क्वायर को तीन से डिवाइड कर सकते हैं। देखो पी स्क्वायर को तीन से डिवाइड करा तो हमें क्या मिल रहा है, क्यू स्क्वायर। अब ये क्यू स्क्वायर क्या है, इससे पहले हम एक बात समझते हैं कि मैं अगर दो लू और दो का स्क्वायर करूं तो ये मुझे मिलता है चार। ये क्या था, ये पूर्णांक था और दो का स्क्वायर करा तो ये भी तो पूर्णांक मिला, पूर्णांक मिलेगा ना। तो यहां पी स्क्वायर को अगर मैं तीन से डिवाइड करता हूं तो मुझे कोई वैल्यू का स्क्वायर मिला है, कोई किसी पूर्णांक का स्क्वायर मिला है जो कि अपने आप में एक पूर्णांक होगा। क्यू स्क्वायर कोई पूर्णांक है। मतलब यह है कि मैं अगर जब मैं पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूं तीन से, पी स्क्वायर को तीन से डिवाइड करें तो हमें क्यू स्क्वायर मिल रहा है। क्यू स्क्वायर क्या है, कोई पूर्णांक का स्क्वायर है और हमें यहां पे रिमाइंडर जीरो मिलेगा। अब देखो यहां पे अगर ये वैल्यू हमने पूर्णांक मानी थी, ये थी ना क्यू कोई पूर्णांक है, तो क्यू का स्क्वायर भी कोई पूर्णांक होगा, क्यू का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। तो इसका अर्थ यह है कि पी स्क्वायर तीन से पूरा पूरा भाग हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर, इसको इधर लिख देते हैं, पी स्क्वायर तीन से विभाजित है। अगर ये तीन स्क्वायर, ये पी स्क्वायर तीन से विभाजित है, अगर मैं पी स्क्वायर को तीन से विभाजित कर सकता हूं तो पी भी तीन से विभाजित होगा, पी को भी तीन से विभाजित कर सकेंगे। क्यों, देखो यहां पे अगर मैं 100 को 5 से विभाजित कर सकता हूं फॉर एग्जांपल, तो रिमाइंडर जीरो मिलेगा, यहां 20 मिलेंगे। तो 100 है क्या, 100 है 10 का स्क्वायर, 100 क्या है 10 का स्क्वायर, यही तो है। तो क्या 10 भी 5 से विभाजित हो सकता है, हाँ हो सकता है, 5 दुनी 10, तो यहां जीरो बचेगा। तो ये अर्थ यही है कि अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर, किसी वैल्यू का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित होता है तो 10 भी 5 से विभाजित हो सकता है। ऐसे ही 625, ये क्या है 25 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर है, तो 625 अगर 5 से विभाजित हो सकता है तो 25 भी 5 से विभाजित होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां अगर कोई वैल्यू पी स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो पी भी 3 से विभाजित होगा। यह बात समझने वाली है कि अब अगर P को 3 से भाग करते हैं, ये पूरा पूरा भाग होगा, तो हमें कोई वैल्यू C मिलेगी, कोई वैल्यू C मिलेगी, और C क्या होगा, C कोई पूर्णांक मिलेगा हमें, P कोई, ये C कोई पूर्णांक होगा, पूर्णांक है। तो P बराबर क्या आया 3C। एक बार और इस बात को समझो कि अगर P को मैं 3 से विभाजित करूं तो मुझे कोई पूरी वैल्यू मिली है, पूर्णांक मिल रहा है, मैं मुझे कोई डेसिमल में वैल्यू नहीं मिल रही, ओके, तो ये पूर्णांक मिलेगा। तो P बराबर 3C आया। अब 3C जो है ये तुम पुट कर दो, ये तुम्हारी इक्वेशन है यहां, ये सेकंड कह दो इसको, ये 3 को, 3 को 2 में रखने पर, दो में रखने पर हमें क्या मिलेगा, यहां क्यू स्क्वायर को, अगर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर को क्या रखा हमने, पी स्क्वायर को रखा हमने 3c, पी को रखा 3c और इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहां पे पी स्क्वायर है, यहां पी स्क्वायर है तो पी को, पी की वैल्यू 3c रखी और स्क्वायर कर दिया डिवाइडिंग बाय 3। तो यह मिला हमें क्यू स्क्वायर बराबर 3 × 3 = 9c स्क्वायर होल डिवाइडिंग बाय 3। अब 3 से ये 3 कैंसिल, यहां बचा 3 और क्यू स्क्वायर, ये 3 मैं नीचे ले गया, यहां 3 बराबर सी स्क्वायर, फिर से वही कंडीशन बन गई कि क्यू स्क्वायर को 3 से विभाजित कर रहे हैं तो हमें सी स्क्वायर मिल रहा है, और सी स्क्वायर क्या है, सी क्या था, पूर्णांक था, तो सी स्क्वायर क्या होगा, यह भी पूर्णांक होगा, तो सी स्क्वायर कोई पूर्णांक है। अब यहां इसका अर्थ ये हो गया, क्यू स्क्वायर को 3 से भाग कर रहे हैं तो ये पूरा पूरा भाग हो रहा है और ये सी स्क्वायर मिल रहा है हमें। तो इसका अर्थ हम यहां लिख देते हैं, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, विभाजित है,
अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब दो बातें हमें पता चली हैं, एक तो ये कि पी 3 से विभाजित हो सकता है और दूसरी बात है क्यू 3 से विभाजित हो सकता है। विभाजित हम किससे कर सकते हैं, भाग किन किन वैल्यू से कर सकते हैं, जो उनके फैक्टर होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं। 3 इसका मतलब यह हो गया पी तथा क्यू का 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है और यह इस बात का विरोधाभास है कि पी तथा क्यू कोई सहभाज्य संख्याएं थी। हमने सहभाज्य संख्याएं बताई थी ना इसको, कि दोनों सहभाज्य संख्या है और सहभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो सकता है, केवल और केवल एक होता है। P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह बात जो हमने लिखी थी, जो बताई थी, उसको हमने अपने आप में ही गलत साबित कर दिया कि P तथा Q का 3 कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इस बात को हम यहां लिखेंगे, तो इसको लिखो, तो यहां क्या लिखेंगे, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। यह पहली बात, यह इस बात का जो इस बात का विरोधाभास है कि P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन क्या लिखनी है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो निष्कर्ष क्या हुआ, अगर यह परिमेय संख्या है, इस बात को हमने गलत साबित कर दिया। अगर यह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, तो यह होगी अपरिमेय संख्या। तो यहां पे 3 पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट लिखने हैं कि पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है जो हमने यहां पर सिद्ध कर दिया, जो इस बात का विरोधाभास है कि पी तथा क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं जो हमने बताया था। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण साबित हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। यह हमने गलत बता दिया था कि √3 एक परिमेय संख्या है, यह हमने गलत कल्पना कर ली थी। तो अगर गलत कल्पना कर ली, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है, √3 अपरिमेय संख्या होगी। निष्कर्ष यहां लास्ट में लिख देना, मैं ऊपर लिख देता हूं। निष्कर्ष यह है, यहां लिख दें, तो ये निष्कर्ष √3 अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या होगी, ये सिद्ध कर दिया हमने। और इस क्वेश्चन को तुम √5, √2, इससे √7, ये तीनों क्वेश्चन अपने आप करके देखो, तो इससे प्रैक्टिस होगी। और यही लैंग्वेज तुम्हारी बुक में भी दे रखी है और वहां पे तुम इसको देख सकते हो। अगर बोर्ड पे वीडियो में तुम्हें सही क्वालिटी में नजर नहीं आ रहा तो वहां पे भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।